फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन कंट्रोल GERD यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, जो कि एक्सेस गैस के सेक्रेशन के वजह से होती है। उसके कॉम्बिनेशन के बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसके लिए परफेक्ट है, कौन सी दवा इसके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। GERD यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स जो डिजीज है, उसके जो ट्रीटमेंट में कंपोजिशन यूज की जाती है वो एस्मोपेराजोल और डोमपेरिडोम का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसमें एस्मोपेराजोल एंटेरिक कोटेड होते हैं और डोमपेरिडोम सस्टेन रिलीज ये कैप्सूल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इस कंपोजिशन के ऊपर, कि इसके यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किस रेशियो में ये दोनों सॉल्ट एक दूसरे से कम्बाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं ड्रग के कंपोजिशन और उसके यूज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन, यानी किस पेशेंट को ये दवा नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ें की जानकारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। कंपोजिशन की बात करें तो ये जो दवा है उसका कंपोजिशन है एस्मोपेराजोल, जो कि 40 mg इसमें यूज किया गया, वहीं डोमपेरिडोम सॉल्ट जो कि 30 mg यूज किया गया। ये दवा एस्मोपेराजोल एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, जो कि गैस के सेक्रेशन को रोकती है, ठीक ना। इसे PPI भी कहा जाता है। और इसका यूज की बात करें तो ये एक एंटी अल्सर ड्रग है। एक्सेस एसिड सेक्रेशन के वजह से जो हमारे स्टोमक में अल्सर हो जाती है, घाव हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल पाया गया है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर के क्लासेस में की एक ड्रग्स है, जो कि गैस्ट्रो इंस्टेंट। और बात करें तो ये अलग अलग डिजीज में भी यूज की जाती है, जैसे हार्टवर्म, जो कि जलन होती है गैस के ज़्यादा सेक्रेशन के वजह से, जो स्टोमक में हमारे पेट में दर्द होती है उसमें भी यूज किया जाती है। और साथ ही ये इरीटेशन में कॉज यूज होती है, इरिटेशन के में यूज की जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो दवा है वो मेटाबोलाइट होती है, यानी टूट जाती है हमारे लीवर में, ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होती है, एक्सक्रेट होती है हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये जो सॉल्ट है एस्मोपेराजोल और डोमपेरिडोम, ये पूरा वेल एब्जॉर्ब होती है, मतलब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में ये एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। ड्रग फॉर्म की बात करें तो ये एक मार्केट में कैप्सूल के में फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि सस्टेन रिलीजेज होती है, मतलब लेते ही, सस्टेन रिलीजेज का मतलब होता है लेते ही तुरंत आराम मिलता है इसे। कंपनी की बात करें तो ये दवा माइक्रोलैब फार्मास्यूटिकल कंपनी इस कंपोजिशन को बनाती है, सोफैक्टी के नाम से। कैप्सूल की बात करें तो एक स्ट्रिप में टोटल 10 कैप्सूल आती है, जो ठीक ना। और इस दवा को लिया जाता है विदाउट फूड, यानी खाना खाने से 15-20 मिनट पहले लेते हैं, वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ। और मिनिमम दिन में एक टाइम दिया जाता है ये दवा। और डोज, इसके डोज डिपेंड करते हैं पेशेंट के कंडीशन पे, जो कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर के थ्रू डिसाइड की जाती है। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस दवा के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है डायरिया, फ्लैटुनेंस, स्टोमक पेन, ड्राइनेस ऑफ माउथ और हेडेक। ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि पेशेंट में देखे गए हैं, और पेशेंट टू पेशेंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वैरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा।